जरूरी घोषणा। आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। जब फी हाइक हुई है उसके खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पुलिस हमें ब्रूटली एक एक स्टूडेंट को चार चार पुलिस वाले उठा के सीधे फेंक रहे हैं। पिछले 3 वीक से कंटिन्यूअसली जेएनयू में एक मूवमेंट चल रहा है जो IHA मैनुअल में यहाँ पे फीस इंक्रीज किया गया है और जिसमें आप देख लीजिए यूटिलिटी चार्जेस, सर्विस चार्जेस सारा इंक्रीज कर दिया गया है और वो कुल मंथ का खर्चा बनता है 6,000 से 7,000 तक, जो कि एक गरीब परिवार से आया हुआ स्टूडेंट नहीं देगा। और JNU में हम देखते हैं जो भी स्टूडेंट होते हैं बेसिकली रूरल बैकग्राउंड और मार्जिनलाइज्ड फैमिलीज से आते हैं जिनका मासिक जो इनकम होता है वो बहुत कम होता है। पिछले 22 दिन से हम लोग यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं फी हाइक के खिलाफ और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन या MHRD की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं आया है। हालांकि 11 तारीख को एक ट्वीट आया था MHRD की तरफ से कि वो इंटरवेन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद 13 तारीख के इसी मीटिंग में फिर से इस मैनुअल को कुछ कंसेशंस बोलते हुए पास करवाया जाता है और बोला जाता है कि मेजर रोल बैक किया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स उसके बाद से और भी काफ़ी गुस्सा है कि जिस तरीके से JNU एडमिनिस्ट्रेशन इसको हैंडल कर रहा है एकदम रिस्पॉन्सिबल तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है और कोई भी मेजर रोल बैक नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स की तरफ से एक ही डिमांड था कि कंप्लीट रोल बैक ऑफ द ड्राफ्ट मैनुअल। और उसी के साथ आज हम लोग पार्लियामेंट मार्च की तरफ जा रहे हैं। हम लोग एक सिंपल पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई थी कि हम लोग एक पीसफुल मार्च JNU से निकलेंगे और हम लोग पार्लियामेंट तक जाएंगे और वहाँ पे हम लोग सिंपल मेमोरेंडम जो हम लोग हॉस्टल मैनुअल जो ड्रेकोनियन हॉस्टल रूल आया है उसको लेके हम लोग मेमोरेंडम देंगे और वो मेमोरेंडम दे करके हम लोग अपनी बात रख करके शांतिपूर्वक जो JNU में हमेशा रहा है आंदोलन उस तरीके से करके आ जाएंगे। लेकिन आप देखिए गेट से हम लोग को पुलिस वालों ने हैरेस किया है, वहाँ से आते आते हम लोगों को अभी 4-5 लोग हॉस्पिटल में अभी एडमिट हैं। देखिए किस तरीके से पुलिस बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया है, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, बुरी तरीके से महिलाओं को एक मेल पुलिस होकर के फीमेल स्टूडेंट को बुरी तरीके से खींच रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी पुलिस देखा गया जो कि पुलिस नहीं है लेकिन RSS की चोगा पहन करके सिविल ड्रेस में यहाँ पे घूम रहे हैं और हम लोगों के जबरदस्त मारपीट कर रहे हैं। आपको ठीक है, चलो आपको ऊपर से ऑर्डर है तो आप अपने मतलब कि जो कर रहे हो ठीक है, ये आपका मतलब ड्यूटी आप करो, पर ये नहीं होता है ना कि क्यों हम बच्चे हैं, आप हमारे पे लाठी चार्ज नहीं कर सकते। आप इस तरह से जो मारना पीटना, क्या आपने एक एक को पहले खींचा कि मास में हम लोग रहेंगे तो आप नहीं कर पाओगे कुछ, तो आपने अलग से खींच के फिर उधर ले गए, फिर उधर जाके मार रहे थे। और इवन बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो लोग सिविल ड्रेस में, आप सिविल ड्रेस में क्यों आए हो? आप आओ अपने ड्रेस कोड में, आओ जो आपकी यूनिफॉर्म उसमें आओ। इट हैपेंड अराउंड हाफ एन आवर 45 मिनट्स बैक। द स्टूडेंट्स वर मार्चिंग टूवर्ड्स द बैरिकेड विच यू कैन सी बिहाइंड यू। सो एज अराउंड देवर द फर्स्ट बैच ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर देयर एंड विदाउट एनी वार्निंग द पुलिस पर्सनल स्टार्टेड लाठी चार्ज एंड आई वॉज अमिड दिस बिटवीन द स्टूडेंट्स and it was very aggressive lathi charge and they were not seeing where they beating, maybe people got on beating on their head, their back, their legs, and it was very aggressive. And in that one of the CRPF person hit me on my head despite showing my press ID card. And I mean this I don't know how many other media persons were also hit, but it was kind of a very aggressive lathi charge from the police side without any warning. देखिए ये बिल्कुल एक न्यू लिबरल और राइट विंग का जो एक नेक्सस है हिंदुत्व और कॉरपोरेट का, वही कैंपस में लाया जा रहा है। ये एक तरीका है कि किस तरीके से कैंपस को एक कॉरपोरेट फैक्ट्री बनाया जाए, किस तरीके से एजुकेशन को एक कैपिटल के तौर पे भेजा जाए और एजुकेशन का जो ध्रुपीकरण है उसको किया जाए और जो शिक्षा है उसको महंगा से महंगा किया जाए, जिसमें हो कि कुछ अमीर तबके ही एजुकेशन ले। वाइस चांसलर का कल एक वीडियो आया है जहाँ पे वो सबको मेल किया और बोलते हुए कि आज इस वीक का शुरुआत है और इसके लिए लेट्स गो बैक टू क्लासेस। तो हम उनको बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे जब एक हर एक स्टूडेंट का क्लास जाना ही एक महीने के बाद बंद हो जाएगा, हम जैसे स्टूडेंट्स का एग्जिस्टेंस इस यूनिवर्सिटी में ख़त्म हो जाएगा, तब कौन सी क्लास की वो बात कर रहे हैं?
हमारा सिंपल डिमांड है, SHO को भी बोले थे, ACP को भी बोले थे, DCP की भी बोले था और इस जोन के SP और DSP सबको बोल चुके थे हम लोग पीसफुली मार्च लेके जाएंगे। बैरिकेड लगा करके बुरी तरीके से लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? क्या हम लोग कोई क्रिमिनल काम किए हैं? क्या हम लोग कोई सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं? कि इस प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिस तरीके से बिल लाया, जिस तरीके से NEP लाया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरह देखिए क्या होता है। क्या इस पुलिस वाले के बेटे नहीं होंगे, बाल बच्चे नहीं होंगे? क्या इनके बाल बच्चे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं पढ़ेंगे? आखिर इनको भी सोचना होगा, पुलिस वाले को भी इस बात को सोचना होगा कि इनके बच्चे पढ़ने के लिए पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो कैसे बाल बच्चे पढ़ेंगे, कैसे आपके स्टूडेंट पढ़ेंगे। हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि ऐसे बिहेव करना किया जाता है स्टूडेंट के साथ? ये हमारे मोदी जी इंडिया बना रहे हैं, ये यंग इंडिया है,